हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू टुडे आई एम नेहा भट्ट योर साइंस टीचर स्टूडेंट्स दिस इज द सेवेंथ पार्ट ऑफ आवर चैप्टर टिश्यूज एंड इन दिस पार्ट वी विल लर्न अबाउट नर्वस टिश्यू प्रीवियस पार्ट में हम एपिथेलियल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू के बारे में डिस्कस कर चुके हैं सो लेट्स बिगिन नर्वस टिश्यू बच्चों ये बहुत ही स्पेशलाइज टिश्यू है इसकी जो सेल्स हैं आर वेरी वेरी स्पेशल किस रेफरेंस में स्पेशल है देखिए बच्चों हाईली स्पेशलाइज टिश्यू बाई विच द एनिमल्स आर एबल टू परसीव एंड रिस्पोंड टू दिला क्या है बच्चों ये जो टिशू है ये हाईली स्पेसलाइज्ड है कैसे है कि इसकी जो सेल्स हैं वो एबल हैं किस में स्टेमुलस को परसीव करने में और रिस्पोंड करने में अब ये स्टेमुलस क्या है बच्चों हमारे सराउंडिंग में हमारे एक्सटर्नल एन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस हैं जो भी इंफॉमेशन है सिग्नल्स है जो हमें मिलते हैं जो हम रिसीव करते हैं एनवायरमेंट से ठीक है तो कौन उसमें हेल्प कर रहा है रिसीव करने में एंड रिस्पॉन्ड करने में कौन हेल्प कर रहा है बच्चों नर्वस टिश्यू ठीक है तो ये बहुत ही स्पेशल है हाईली स्पेशलाइज टिश्यू बायच द एनिमल्स आर एबल टू परसीव एंड रिस्पॉन्ड टू द स्टिमिला ठीक है देव फंक्शनल यूनिट इज कॉल्ड नर्व सेल और न्यूरोन अब ये जो नर्वस टिश्यू है इसकी फंक्शनल यूनिट क्या है बच्चों नर्व सेल्स और न्यूरॉन ठीक है टिश्यू है तो बिल्कुल किससे बना है सेल्स से बना है नंबर ऑफ सेल्स ग्रुप ऑफ सेल्स ठीक है तो फंक्शनल यूनिट क्या है उस सेल को क्या कहा हमने नर्व सेल और न्यूरॉन ठीक है तो आगे हम बात करते हैं इसी नर्व सेल के बारे में ईच न्यूरोन साइटोन डेंड्रॉन डेंड्रॉइड्स एक्जॉन एंड एक्जॉन टर्मिनल हर जो न्यूरॉन है और नर्व सेल ठीक है एक ही बात है बच्चों न्यूरॉन कहें या नर्व का है, राइट तो जो न्यूरॉन है वो क्या क्या कंटेन कर रहा है उसमें क्या-क्या पार्ट्स -क्या हम और इसका एक और नाम होता है बच्चों सोमा ठीक है साइटॉन सेल बॉडी और सोमा राइट इसमें क्या है बच्चों इसमें प्रेजेंट है एक सेंट्रल न्यूक्लियस ठीक है ये क्या है ये हमारी जो नर्व सेल है उसकी सेल बॉडी है साइटोन है ठीक है इसमें प्रेजेंट है एक न्यूक्लियस और इसमें प्रेजेंट है क्या साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म में एक स्पेशल ग्रेन्यूल प्रेजेंट है जिन्हें कहते हैं नीसल्स ग्रेन्यूल ठीक है साइटोप्लाज्म हैज नीसल्स ग्रेन्यूल्स ठीक है बच्चों तो फर्स्ट पार्ट क्या देखा हमने नर्व सेल का साइटोन और सेल बॉडी और सोमा ठीक है विच कंटेन अ सेंट्रल न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म हैज नीसल्स ग्रेन्यूल ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों आगे और पार्ट क्या है इसमें डेंड्रॉन ठीक है short -like extensions rising from cytone. Cytone से ही short -like extensions rise हो रहे हैं, जिन्हें क्या कहते हैं डेंड्रॉन कहते हैं ठीक है एंड यही डेंड्रॉन आगे फर्दर डिवाइड हो रहे हैं ठीक है विच आर फर्दर सब डिवाइडेड इन टू जो और डिवाइड हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं

बिल्कुल बच्चों हम इसकी पिक्चर देखेंगे हम इसका डायग्राम देखेंगे तो ये सारे पार्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे ठीक है आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट देखते हैं हम क्या एग्जॉन ब्रांचेस एट द एंड ये क्या है बच्चों ये लॉन्ग है थोड़ा सा लॉन्ग है टेल लाइक स्ट्रक्चर है ठीक है सिलेंड्रिकल है और इसके जो एंड है ना वहां पे ये भी कैसा है ब्रांच्ड है वहां पे भी फाइन ब्रांचेस प्रेजेंट है अभी हम इसका डायग्राम देखेंगे पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी ठीक है एग्जॉन है बच्चों किनी -किनी में से होता है, और कुछ नर्वस में ये शीत एब्सेंट भी होती है ठीक है माइलीनेटेड शीत है ये क्या करती है इस एग्जॉन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ठीक है एग्जॉन ऑफ वन न्यूरोन इज वेरी क्लोजली प्लेस्ड टू देंड्रॉन ऑफ एनादर न्यूरोन क्या है बच्चों समझो कि जो न्यूरॉन है मीन्स एक नर्व सेल है भाई एक ही नर्व सेल नहीं है नर्वस टिश्यू है बहुत सारी नर्व सेल्स हैं हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट है ठीक है ना तो जो एक नर्व सेल्स का जो एंड पार्ट है एक्जॉन वाला एग्जॉन टर्मिनल वाला ठीक है वो क्या होता है बच्चों दूसरे न्यूरॉन के जो डेंड्रॉन्स हैं डेंड्रॉइड्स हैं उनके बहुत पास होता है क्लोजली प्लेस्ड होता है ठीक है क्यों होता है टू कैरी एम्पल्स फ्रॉम वन टू अनादर न्यूरोन क्या करता है क्यों होता है ये क्लोजली प्लेस ये जो इम्पल्स है जो हमारे सिग्नल्स है उनको कैरी करता है और एक न्यूरोन से कहा लेके जाता है फिर नेक्स्ट न्यूरोन पे अनादर न्यूरोन पे ठीक है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स ठीक है बच्चों जो भी हमने स्टिमुलस गेन किया है ना रिसीव किया कहाँ से एटमोसफेयर से ठीक है आपके सेंस ऑर्गन आप पढ़ चुके हैं है ना भाई बहुत छोटे से होते हैं तब भी आपको पता होता है कि सेंस ऑर्गन है हमारे क्या कर रहे हैं ये ये सेंस येन कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं कोई स्टिमुलस को रिसीव कर रहे हैं अब ये स्टिमुलस रिसीव तो कर लिया बट ये आगे जाएगा ना बिल्कुल जाएगा कहां तक जाएगा ब्रेन तक जाएगा तो भाई कैसे जाएगा एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में फिर उससे फिर उससे इस तरीके से आगे बढ़ेगा ठीक है तो जो एक नर्व सेल है उसका जो एंड पॉइंट है एग्जॉन टर्मिनल या एग्जॉन ठीक है वो दूसरा जो नर्व सेल है उसके डेंड्रॉयड्स के बहुत ही पास होता है ठीक है क्यों होता है ताकि ये जो सिग्नल है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इजीली जा सके और ये किस फॉर्म में जाते हैं ये जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल वेव की फॉर्म में ठीक है जैसे एक वेव भरती है आगे इसी तरीके से ये सिग्नल्स आगे जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स के फॉर्म में ठीक है दिस क्लोज प्रॉक्सिमिटी इज कॉल्ड एज सिनेप्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों ये वर्ड क्या है सीनेप्स ये जो क्लोजनेस है ये जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी है किस की एक सेल के एग्जॉन की एंड दूसरे नर्व सेल के डेंड्रॉइड्स की है ना जो ये क्लोजनेस है ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी है ये क्या है बच्चों ये है सीनेप्स ये रिलेशन क्या है सीनेप्स है ठीक है ये बिल्कुल ज्वाइंट नहीं होता है जो नर्व सेल्स हैं एकदम चिपकी हुई नहीं होती है, लेकिन बहुत ही क्लोज होती हैं ठीक है तो इस प्रॉक्सिमिटी को क्या कहा हमने सिनेप्स कहा ठीक है इंडिविजुअल नर्व सेल मे बी अप टू मीटर लॉन्ग अगर हम एक नर्व सेल को इंडिविजुअल नर्व सेल को अगर हम मेजर करें तो उसकी लेंथ कितनी हो सकती है बच्चों अप टू वन मीटर तक हो सकती है ठीक है बच्चों ये हमने बात की किसकी नर्व सेल की एक और इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ बच्चों और बहुत ही डिफरेंट क्या कि जो नर्व सेल है ना इनमें सेल डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती है ये क्या हमने तो पढ़ा था कि सभी सेल्स जो हैं सेल डिवीजन करती हैं बिल्कुल करती हैं ग्रोथ के लिए जरूरी है बट जो नर्व सेल हैं उनमें सेल डिवीजन नहीं होता है इट मीन्स बट के टाइम जितनी हमें नर्व सेल्स हैं न्यूरॉन्स हैं टिल डेथ वो सेम ही रहती हैं ठीक है अब ये ऐसा नहीं है कि सेम ही रहती है मतलब अगर इंजरी हो गई डैमेज हो गई तो नंबर कम हो जाएगा बट इंक्रीज नहीं हो सकता है ठीक है इनमें सेल डिवीज़न नहीं होता है ठीक है बच्चों आगे देखिए बच्चों अब हम देखते हैं इसकी क्या डायग्राम यहाँ से पार्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे आपको ये देखिए बच्चों ये हमने पहले क्या पढ़ा था सेल बॉडी और साइटोन और क्या नाम दिया था सोमा ठीक है बच्चों और क्या है ये साइटोन ठीक है एक ही बात है और इसमें क्या प्रेजेंट है बच्चों ये प्रेजेंट है न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है बच्चों साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है नीस ग्रेन्यूल्स ठीक है बच्चों और यहाँ से क्या है ये देखिए बच्चों ये जो ब्रांच स्मॉल ब्रांचेज निकल रही हैं ये क्या है ये हैं डेंड्राइड्स ठीक है ये डेंड्रॉन है और डेंड्राइड्स आगे फर्दर सब डिवाइड हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं डेंड्राइड्स बना रहे हैं ठीक है फिर हमने क्या देखा था बच्चों हमने देखा था एक लॉन्ग प्रोसेस क्या था वो ये देखिए लॉन्ग टेल लाइक प्रोसेस सिलेंड्रिकल क्या है ये ये है एग्जॉन ठीक है और ये प्रेजेंट है शीत माइलिन इन शीत ठीक है बच्चों देखो इसका एंड भी क्या है ब्रांच है है ना एग्जॉन भी एग्जॉन का जो एंड पार्ट है वो भी कैसा था ब्रांच था और ये क्या है बच्चों यहाँ पे ये है जो पार्ट ये है एग्जॉन टर्मिनल ठीक है बच्चों ये एग्जॉन टर्मिनल यहाँ पे हमारी एक नर्व सेल का एंड आ गया है ठीक है एंड पॉइंट है अब मैं आपको समझाती हूँ क्या सिनेप्स ठीक है बच्चों देखो यहाँ पे और यहाँ प्रेजेंट है क्या हमारी दूसरी नर्व सेल ठीक है ये क्या उसकी सेल बॉडी है साइटोन है और साइटोन से भाई क्या निकल रहे हैं ये निकल रहे हैं हमारे डेंड्रॉइड्स ठीक है ये दोनों कनेक्ट नहीं होती हैं लेकिन क्या होती हैं क्लोजली प्लेस्ड होती हैं। और इस रिलेशन को हमने क्या कहा था बच्चों हमने कहा था सिनेप्स ठीक है बच्चों तो ये हो गई क्या नर्व सेल की स्ट्रक्चर और ये है सिनेप्स ठीक है ना कोई भी इम्पल्स है यहाँ से चलेगा आगे कौन रिसीव कर रहे हैं डेंड्रॉइड्स रिसीव कर रहे हैं आगे गया एग्जॉन टर्मिनल तक और एग्जॉन टर्मिनल से फिर कहाँ जाएगा नेक्स्ट सेल पे जाएगा नेक्स्ट नर्व सेल पे जाएगा ठीक है और यहाँ पे भरा होता है क्या एग्जॉन टर्मिनल में होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर ये क्या करते हैं बच्चों ये जो सिग्नल जा रहे हैं जो इम्पल्स जा रहे हैं उनकी स्पीड यहाँ तक आते आते कुछ कम हो जाती है तो ये न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होते हैं और उसकी स्पीड को फिर से बढ़ा देते हैं ठीक है क्योंकि ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस है ठीक है बच्चों तो ये क्या हो गई नर्व सेल की स्ट्रक्चर ठीक है बच्चों आगे चलते हैं कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है ये ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व में ये जो नर्व सेल्स हैं कहाँ कहाँ प्रेजेंट है ब्रेन में प्रेजेंट है स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है एंड नर्व में प्रेजेंट है ठीक है फंक्शन क्या है बच्चों सेंस स्टेम स्टिमुलस को सेंस करना ठीक है अब स्टिमुलस कौन कौन से हो सकते हैं बहुत सारे हो सकते हैं टच स्मेल टेस्ट हियरिंग एंड साइट ठीक है, है बच्चों और देखिए आगे क्या है बच्चों सेंडिंग इम्पल्स अक्रॉस द बॉडी थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल अब ये जो नर्व सेल्स हैं ये करती क्या हैं ये जो इम्पल्सेज हैं है ना जो भी सिग्नल्स हमें हमने गेन किया उनको क्या करती हैं पूरी बॉडी में पूरी बॉडी के अक्रॉस ये सेंड करती हैं कौन नर्व सेल्स ठीक है एंड द सिग्नल दैट पासिज अलॉन्ग द नर्व फाइबर इज कॉल्ड अ नर्व इम्पल्स और ये जो सिग्नल है ना जो हमने गेन किया है जो हमारी पूरी बॉडी में मूव कर रहा है से कहते क्या है बच्चों इसे कहते हैं नर्व इंपल्स ठीक है ये ये क्या हो गया? ये हो गया गया हमारी नर्व सेल का फंक्षन. ठीक है आगे बढ़ते हैं बच्चों और यहां देखिए हम हमारे सपोज हम बात करते हैं हमारे हैंड की ठीक है मैंने आपके हाथ पे कोई हॉट ऑब्जेक्ट टच किया ठीक है तो क्या होता है क्या आपका फर्स्ट एक्शन रिएक्शन क्या होता है आपका हाथ तुरंत हट जाता है ठीक है या कोई निडल पिंच की तो क्या होता है आप अपना हाथ हटा लेते हैं बिल्कुल इंस्टेंटली होता है आप सोचते थोड़ी हो थोड़ी देर तक कि पांच मिनट तक आपने सोचा कि भाई मैं हाथ हटाऊं या मैं हाथ नहीं हटाऊं ऐसा नहीं होता है आपका हाथ तुरंत ही हट जाता है ठीक है तो भाई क्यों हो रहा है ऐसा इसको हम यहां से समझते हैं देखो ये एक पिक्चर दिख रही है आपको ये क्या है फायर है ठीक है कोई हॉट ऑब्जेक्ट है फायर है यहाँ पे आपका हाथ आया और तुरंत ही क्या हुआ देखो तुरंत हाथ ये हट गया अब क्या हुआ बच्चों देखो यहाँ पे यहाँ पे प्रेजेंट है क्या यहाँ पे प्रेजेंट है नर्व सेल्स और न्यूरॉन ठीक है यहाँ पे हम बात करेंगे न्यूरॉन्स टू टाइप्स के ठीक है ना आपकी बुक में नहीं है बट ये नॉलेज अपन को होनी चाहिए ठीक है तो कौन कौन से न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन दोनों की हम बात करेंगे ठीक है तो जो सेंसरे न्यूरॉन है उसने क्या किया उसने इस जो ये हमने हॉट ऑब्जेक्ट टच किया ना इस सिग्नल को उसने रिसीव कर लिया है ठीक है रिसीव करके ये रेड लाइन देख रहे हो ये सिग्नल सेंसरे न्यूरॉन है ये ठीक है तो ये सेंसरे न्यूरॉन ये सिग्नल कहाँ लेकर गए हमारे ब्रेन में लेकर गए ठीक है फिर ब्रेन में जाके इस सिग्नल को क्या किया एनालिसिस किया ठीक है और ब्रेन फिर हमको कहेगा कि हाथ हटा तो भाई कैसे ब्रेन से भी ये सिग्नल हमारे पास आएगा कि आपको अपना हाथ हटाना है तो उसे लेकर कौन ले आता है उसे लेकर आते हैं हमारे मोटर न्यूरॉन जो ब्रेन ने जो इन्फॉर्मेशन दी हमको वो कौन लेकर आ रहा है मोटर न्यूरॉन ठीक है ब्रेन से ला रहा है? हमारे तक आ रहा है है हमारे इस सेंस तक आ ठीक है ये देखिए ये लेकर आया और हमारा हाथ तुरंत वहां से हट गया ठीक है तो बताओ बच्चों ये प्रोसेस कितना टाइम लगता है इसमें क्या वन सेकेंड नो वन सेकेंड भी नहीं लगता है सेकेंड्स का भी बहुत ही छोटा फ्रैक्शन इसमें लगता है टाइम का तो ये क्या है बहुत ही फास्ट प्रोसेस है है ना क्योंकि ये जो सिग्नल्स हैं ये किस फॉर्म में आगे बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल वेव की फॉर्म में इलेक्ट्रोकेमिकल वेव की फॉर्म में आगे बढ़ रहे हैं जिसे हमने क्या कहा था नर्व इम्पल्स ठीक है तो इस तरीके से क्या होता है ये जो न्यूरोन्स हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं ठीक है बच्चों आई होप आपको अब ये कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हो गया होगा ठीक है ना सेंसरी न्यूरॉन ने सिग्नल को रिसीव किया है कहाँ तक लेकर गए हैं ब्रेन तक लेकर गए हैं और फिर ब्रेन से कहाँ लेकर आए हैं ब्रेन में जो है मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट वो उसको कहाँ लेकर आए वापस हमारे ऑर्गन तक लेकर आए हैं और हमने फिर जो है हमारा रिएक्शन दिया है ठीक है देखो अब ये जरूरी नहीं है हाथ में ही हो पैर में भी हो सकता है कोई हॉट ऑब्जेक्ट टच किया या कोई निडल पिंच की ठीक है कुछ भी अचानक से कोई भी स्टिमुलस आपको मिला तो तुरंत आपका रिएक्शन होता है आप अपना पैर वहां से हटा लेते हो ठीक है तो इट मीन्स ये जो नर्व सेल्स हैं ये जो नर्व हैं हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट है इनका एक अच्छा खासा क्या है नेटवर्क है ठीक है बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर बेस्ड ऑन टिश्यूज एनिमल टिश्यूज ठीक है नेम द टिश्यू रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आर बॉडी हमारी बॉडी में मूवमेंट के लिए कौन सा टिश्यू रेस्पॉन्सिबल है हम पढ़ चुके हैं मस्कुलर टिश्यू ठीक है द मस्कुलर टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आर बॉडी ठीक है नेक्स्ट देखिए बच्चों वॉट डज अ न्यूरोन लुक लाइक न्यूरोन और नर्व सेल इसके पिक्चर अभी हमने देखे थे इसका डायग्राम हमने अभी देख लिया था ठीक है अ न्यूरोन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी न्यूक्लियस एंड ठीक है सेल बॉडी देखी थी हमने साइटोन उसमें क्या था न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मीक है फ्रॉम विच लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट अराइज इच न्यूरोन हैज अंगल लॉन्ग पार्ट कॉल्ड द एग्जॉन एंड मैनी स्मॉल शॉर्ट ब्रांचेस पार्ट्स कॉल्ड डेंड्रॉइड ठीक है जो सिंगल पार्ट है वो क्या है एग्जॉन है और जो बहुत सारे ब्रांच पार्ट निकल रहे हैं वो क्या है बच्चों वो है डेंड्राइड्स ठीक है ये हमने देख लिया था और एन एन इंडिविजुअल नर्व सेल इज कॉल्ड न्यूरॉन इट मे बी अप टू अ मीटर लॉन्ग ठीक है क्या कहते हैं इसको न्यूरॉन कहते हैं और इंडिविजुअली अगर हम इसको मेजर करें तो इसकी लेंथ कितनी होती है अप टू वन मीटर होती है ठीक है नेक्स्ट देखिए बच्चों गिव थ्री फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल्स ठीक है कार्डियक मसल्स कहाँ पड़ी थी हमने मस्कुलर टिश्यू में पढ़ी थी ठीक है फीचर ऑफ कार्डियक मसल्स हार्ट मसल्स आर सिलेंड्रिकल ब्रांच एंड यूनी न्यूक्लिएटेड देखा था ना हमने सिलेंड्रिकल होती हैं शॉर्ट होती हैं ब्रांच होती हैं और यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं मोस्टली डो नॉट गेट फैटिक और ये कभी भी फैटिक नहीं होती हैं थकती नहीं है हम पढ़ चुके हैं ठीक है दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स कैनॉट बी कंट्रोल बाय अस कैसी हैं भाई ये इनवॉलेंट्री हैं भाई है, हार्ट बीट है कंटिन्यूसली हो रही है उसमें आपका क्या कोई आपकी विल पावर का रोल है क्या नहीं है होना भी नहीं चाहिए भाई ठीक है ना क्योंकि ये कैसा प्रोसेस है ये कंटिन्यूअस हमारे लिए ज़रूरी प्रोसेस है ठीक है और देखिए दे कंट्रोल द कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट हार्ट में क्या हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है ना रिदमिकली कंटिन्यूसली और उससे क्या हो रहा है पंपिंग ऑफ ब्लड हो रही है ठीक है तो ये कार्डियक मसल्स के क्या हो गए फंक्शन हो गए और देखिए बच्चों वॉट आर द फंक्शंस ऑफ एरियोलर टिशू है ना एरियोलर टिशू पढ़ा था हमने एडपोज टिशू पढ़ा था ठीक है फंक्शन ऑफ एरियोलर टिश्यू क्या है इट हेल्प्स इन सपोर्टिंग इंटरनल ऑर्गन्स एंड इट हेल्प इन रिपेयरिंग द टिश्यूज ऑफ द स्किन एंड मसल ठीक है तो बच्चों यहाँ हमारा चैप्टर हो गया है कम्प्लीट हम कर लेते हैं इसे एक बार समराइज इस पार्ट में हमने क्या देखा हमने बात की नर्वस टिश्यू की ठीक है वेरी स्पेशलाइज टिशू है क्यों भाई बिकॉज ऑफ दिस टिश्यू एनिमल्स कैन एबल टू परसीव एंड अगेंस्ट अ स्टिमुलस ठीक है ना इसकी वजह से एनिमल्स जो हैं वो स्टिमुलस को परसीव करते हैं और रिस्पॉन्ड भी करते हैं ठीक है इसके फंक्शनल यूनिट क्या होती है बच्चों नर्व सेल और न्यूरॉन ठीक है फिर हमने इसके पार्ट से थे पहला क्या साइटॉन और सेल बॉडी और सोमा ठीक है इसमें प्रेजेंट है एक सेंट्रल न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है क्या नीसल्स ग्रेन्यूल्स ठीक है नेक्स्ट हमने क्या देखा बच्चों फिर इसके बाद में हमने देखा डेंड्रॉन साइटोन से कुछ प्रोसेस इमर्ज हो रहे हैं जिन्हें क्या कहा डेंड्रॉन और वही आगे फर्दर डिवाइड हो रहे हैं सब डिवाइड हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं डेंड्रॉइड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेंड्रॉइड्स ठीक है ना क्योंकि एक नर्व सेल से जब दूसरे नर्व सेल में इम्पल्स जाते हैं तो इम्पल्स को कैरी कौन करता है सबसे पहले कौन लेता है डेंड्रॉइड्स लेता है ठीक है ये बात हो गई फिर हमने बात की क्या बच्चों एग्जॉन एग्जॉन क्या है लॉन्ग टेल लाइक सिलेंड्रिकल प्रोसेस है लॉन्ग है -like है है टेल लाइक ठीक एक शीत से कवर्ड है क्या नाम है 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 उसका माइलिनेटेड ठीक माइलिन राइट और इसका जो एंड वो भी कैसा है ब्रांच है है ना और एंड पार्ट को क्या बोलते हैं एग्जॉन टर्मिनल ठीक है फिर हमने बात की क्या बच्चों कि जो एक एग्जॉन एक नर्व सेल का जो एग्जॉन है एग्जॉन टर्मिनल है वो दूसरे नर्व सेल के डेंड्रॉइड्स के क्लोजली प्लेस्ड होता है और इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं सिनेप्स कहते हैं ठीक है ये करता क्या है सिनेप्स क्यों जरूरी है क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन को इम्पल्स को एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल तक लेके जाता है ठीक है अगर हम बात करें इंडिविजुअल नर्व सेल की तो उसकी जो लेंथ है वो कितनी हो सकती है टू वन मीटर ठीक है और हमने क्या देखा मैंने आपको बताया कि ये जो है नर्व सेल इनमें सेल डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती है ठीक है कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है ये ब्रेन में प्रेजेंट है स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है एंड नर्व्स में प्रेजेंट है हमारी पूरी बॉडी में क्या है नर्व है बच्चों ठीक है और नर्व है उसमें प्रेजेंट क्या है नर्व सेल्स है ठीक है इसका फंक्शन क्या है फंक्शन है इसका स्टिमुलस को रिसीव करना एंड रिस्पोंड करना ठीक है स्टिमुलस कौन कौन से हो सकते हैं बिल्कुल स्टिमुलस हो सकता है टच का हो सकता है हियरिंग हो सकता है साइट हो सकता है स्मेल हो सकता है ठीक है ये बात कर ली हमने बच्चों और ये जो सिग्नल्स हमने लिए हैं ये किस फॉर्म में आगे जाते हैं ये इलेक्ट्रोकेमिकल वेव की फॉर्म में आगे बढ़ते हैं ठीक है एक नर्व सेल से जम करके दूसरी नर्व सेल पे पहुंच जाते हैं ठीक है और इन्हें क्या कहते हैं इन्हें कहते हैं नर्व इम्पल्स ठीक है फिर मैंने आपको थोड़ा सा समझाया किसके बारे में रिफ्लेक्स एक्शन ठीक है क्या है रिफ्लेक्स एक्शन आपके सेंसरी ऑर्गन ने आपके सेंसरी न्यूरॉन्स ने कोई भी सिग्नल सीव किया ठीक है वो इम्पल्स के फॉर्म में है ना इलेक्ट्रोकेमिकल वेव की फॉर्म में आगे बढ़ते हैं और कहाँ जाते हैं हमारे ब्रेन में ठीक है ब्रेन में उसका एनालिसिस होता है और ब्रेन से फिर मोटर न्यूरॉन के थ्रू हमारे पास आती है इन्फॉर्मेशन कि हमको क्या रिएक्शन देनी है हमको क्या रिस्पॉन्ड करना है और फिर हम क्या करते हैं हम करते हैं रिस्पॉन्ड ओके सो हेयर आ चैप्टर इज नाउ कंप्लीटेड कीप रिवाइजिंग नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन एंड आंसर थैंक यू